प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अस्पतालों में व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। बार बार जो कांग्रेस की गांधी हेल्पलाइन पर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं पूरे प्रदेश से हमें, वहां एक ही बात देखने में आ रही है कि मरीजों को वहां सही समय पर उपचार नहीं प्राप्त हो रहा है। हमने इस बारे में जब डॉक्टर्स से बात की तो डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर दिन रात जो हैं अपनी जान के ऊपर खेल कर जो हैं वो मरीजों की सेवा में लगे हैं, लेकिन उनको भी समय सीमा निर्धारित है कि एक समय के बाद डॉक्टर्स को जो है वो क्वारंटाइन होना पड़ता है, यानी कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है। दूसरी जो चीज़ सामने आ रही है वो एम्बुलेंस समय पे ना मिलने की वजह से भी बहुत कमी नज़र आ रही है। कल ही ऐसे बहुत से मामले बहुत से बड़े अस्पतालों में कोरोना कोविड के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे आए कि मरीज़ बाहर पड़े हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ तक कि उनको पानी पिलाने तक के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। हम डॉक्टर्स को फ़ोन करके उनसे सहायता ले रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि डॉक्टर जितने दबाव के बावजूद काम कर रहे हैं। हमारा सरकार को सुझाव है कि इस समय ऐसी आपातकालीन स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए सरकार शीघ्र जो है वो सेना के स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करे, और साथ ही जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टरों को आपातकाल तौर पर वहाँ पर लगाए, और तीसरी बात कि जो एम्बुलेंस हैं उसकी व्यवस्था में बढ़ाए, चाहे वो टैक्सीज को एम्बुलेंस के रूप में ले या नई एम्बुलेंस ले, क्योंकि बहुत से लोग अगर अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना पीड़ित तो उसका मुख्य कारण दो नज़र आते हैं, एक समय पर एम्बुलेंस का ना मिलना और दूसरा समय पर अस्पताल में सहायता ना मिलना, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर बहुत दबाव है। इस दबाव को कम करने की आज बहुत आवश्यकता है, ये हम कहना चाहते हैं।